हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं की अभ्यास प्रश्न बैंक सामाजिक विज्ञान का 16वां प्रश्न हल करेंगे। 16वां प्रश्न क्या है? 2019 की आम चुनाव में लगभग 1.5 लाख पेड़ों को बचाया गया, 1,50,000 पेड़ों को बचाया जा सका। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि अब हम ऑप्शन दिए हैं, उनमें से बताना कि किस कारण पेड़ों को बचाया गया। ऑप्शन ए है, मतदान पत्र को आकार में छोटा बना दिया गया। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग किया गया था। ऑप्शन सी, बहुत कम मतदाता मतदान करने आए थे। ऑप्शन डी, 2019 में चुनाव को स्थगित कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग किया गया था। फिर 17वां प्रश्न है, पिछला लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था, यदि वर्तमान सरकार अपना कार्यकाल पूरा करती है तब आगामी लोकसभा चुनाव कब होगा? तो इसका सही आंसर बताना है। ऑप्शन ए है 2024 में, ऑप्शन बी 2025 में, ऑप्शन सी 2023 में, ऑप्शन डी है 2021 में। तो कब होगा? 2024 में। 2024 इसका सही आंसर, 17वें का ऑप्शन ए। फिर प्रश्न क्रमांक 18वां प्रश्न है, राजू के पास 2 एकड़ कृषि भूमि है, वह अपनी भूमि भास्कर को 3 वर्षों के लिए पट्टे पर देता है। 1 वर्षों के बाद भास्कर भूमि मालिक की सहमति के बिना इस भूमि को अपने नाम स्थानांतरित करवा लेता है। किस कानून के अंतर्गत राजू मुकदमा दर्ज करा सकता है? ऑप्शन ए, दीवानी कानून, ऑप्शन बी न्यायिक कानून, ऑप्शन सी संवैधानिक कानून, ऑप्शन डी आपराधिक कानून। तो किस कानून के द्वारा वह मुकदमा दर्ज कर सकता है? तो वह दीवानी कानून, दीवानी कानून के द्वारा वह मुकदमा दर्ज करा सकता है। तो ऑप्शन ए 18वें का सही आंसर है। फिर 19वां प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रारंभिक उद्देश्य था, बताना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या उद्देश्य था। तो पहला ऑप्शन है सत्ता स्थापित करना, ऑप्शन बी है अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, ऑप्शन सी है वैवाहिक संबंध स्थापित करना, ऑप्शन डी कारखाना स्थापित करना। तो उसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर है बी, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य था अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, ऑप्शन बी। फिर 20वां प्रश्न है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व क्या था? ऑप्शन ए 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 943 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो क्या घनत्व था इसका? 2020 के आंसर है सी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। फिर हम अगला प्रश्न करते हैं, 21वां प्रश्न है, भारत में लोह इस्पात उद्योग सर्वप्रथम किस राज्य में स्थापित किया गया? लोह इस्पात उद्योग है जो सबसे पहले किस राज्य में स्थापित किया गया? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए झारखंड, झारखंड में है जो सबसे पहले स्थापित किया गया। फिर 22वां प्रश्न है, राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेशों में सिंचाई को कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? बताना कि राजस्थान जैसे राज्यों में कौन शुष्क प्रदेशों में सिंचाई के लिए कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए नहर, ऑप्शन बी नलकूप, ऑप्शन सी बूंद बूंद विधि, ऑप्शन डी जलाशय। तो कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? बूंद बूंद विधि, ऑप्शन सी। 22 का सही आंसर ऑप्शन सी। फिर 23वां प्रश्न देखते हैं, 23वां प्रश्न क्या है? 23वां प्रश्न है, कौन सी दो गैसें वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में हैं? तो बताना है कौन सी गैसें सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में हैं। ऑप्शन ए ईथेन और मेथेन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और नियान, ऑप्शन डी आर्गन और नियोन। तो कौन सी गैसें हैं जो वायुमंडल में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है जो हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में हैं। फिर 24वां प्रश्न है, किसी द्वीप तक पहुंचने के लिए सबसे उपयुक्त परिवहन का साधन कौन सा है? द्वीप तक जाने में कौन सा साधन उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए जहाज, ऑप्शन बी रेलगाड़ी, ऑप्शन सी कार, ऑप्शन डी बस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जहाज। फिर 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? ऑप्शन ए सरपंच,
ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी किसान, अगला ऑप्शन है अधिवक्ता। तो कौन सा है जो पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है? इसका सही आंसर है 25 का ए, सरपंच है जो पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक परितंत्र है? प्राकृतिक परितंत्र बताना है। ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी अस्पताल, ऑप्शन डी है एक्वेरियम। एक्वेरियम इसका सही आंसर क्या है? 26 का सही आंसर है ऑप्शन बी नदी। नदी है जो यह एक प्राकृतिक परितंत्र है। प्राकृतिक परितंत्र बताना था तो इसका सही आंसर है नदी, ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 26 का सही आंसर ऑप्शन बी। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं, 27वां प्रश्न क्या है? 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? इसमें अब हमें बताना है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा गया है। तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? डी वी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है जो 27 का सही आंसर है। 28वां प्रश्न, भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को कहते हैं? अब बताना कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से नापते हैं? ऑप्शन ए हीदरग्राफ, ऑप्शन बी है एर्गोग्राफ, ऑप्शन सी बैरोग्राफ, ऑप्शन डी सेस्मोग्राफ। तो किस यंत्र से हम भूकंप की तीव्रता को नापते हैं? इसका सही आंसर है सीस्मोग्राफ। 28 का सही आंसर है सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ से हम क्या करते हैं? भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीस्मोग्राफ। फिर 29वां प्रश्न देखते हैं, 29वां प्रश्न क्या है? वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी की सतह के सबसे पास स्थित है? अब बताना है कि वायुमंडल की ऐसी कौन सी परत है जो पृथ्वी की सतह से सबसे पास स्थित है? तो ऑप्शन ए वायुमंडल, ऑप्शन बी मध्यमंडल, ऑप्शन सी तापमंडल, ऑप्शन डी क्षोभमंडल। तो कौन सी सतह है जो पृथ्वी की सतह से सबसे पास है? तो 29 का सही आंसर ऑप्शन डी क्षोभमंडल है जो पृथ्वी की सतह के सबसे पास है। तो क्षोभमंडल सही आंसर है। 30वां प्रश्न है, अनौपचारिक तौर पर कार्यरत श्रमिकों की कौन सी एक विशेषता है? तो इसका सही आंसर बताना है। तो ऑप्शन ए में लिखा स्थायी नौकरी, ऑप्शन बी में लिखा नौकरी की सुरक्षा, ऑप्शन सी स्वास्थ्य सुविधा, ऑप्शन डी है जब जरूरत होती है तभी कार्यरत होती है। तो प्रश्न 30 का सही आंसर है जब जरूरत होती है तभी कार्यरत होती है। इस तरह से हमने सामाजिक विज्ञान के कुछ प्रश्नों को हल किया। इसके आगे हम अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।